स्पीड न्यूज के पेश करदा है प्रिंस मैजेस्टिक वेडिंग मॉल SYJ कॉम्प्लेक्स चारमीनार। अस्सलाम वालेकुम, आदाब, मैं हूं खलील फरहत। BBN चैनल को सेट टॉप बॉक्स पर चैनल नंबर 569 नंबर पर आप देख सकते हैं। केबल ऑपरेटर से कहें कि वो BBN चैनल ज़रूर दिखाए, साथ ही हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए YouTube पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकॉन पर भी प्रेस करें। आइए अब देखते हैं 31 अगस्त की स्पीड न्यूज़। सऊदी अरब के अबहा एयरपोर्ट पर ड्रोन से किया गया बम हमला, हमले में 8 अफराद जख्मी, एयरपोर्ट पर खड़ा पैसेंजर प्लेन को भी पहुंचा नुकसान, यमन के हौसी बागियों पर लगाया जा रहा है इल्जाम। अमेरिका 20 सालों बाद अफगानिस्तान से नाकाम और नामुराद लौट गया। अफगानिस्तान में जश्न का माहौल, काबुल एयरपोर्ट पर मौजूद हेलीकॉप्टर और जहाजों को नाकारा बनाकर चली गई अमेरिकी फौज। अमेरिका की वापसी मुकम्मल होने पर तालिबान ने कहा, हमारा मुल्क आज़ाद हो गया। काबुल एयरपोर्ट पर तालिबान लड़ाकों ने मनाया जश्न, तालिबान ने पहली बार उड़ाया अमेरिकी ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर। फॉर्मर पाकिस्तानी क्रिकेटर शाहिद आफरीदी भी निकले तालिबान के मुरीद, कहा क्रिकेट को सपोर्ट कर रहा है तालिबान जो उसकी बदली मुस्बत सोच को जाहिर करता है, खवातीन को जॉब करने की इजाज़त देने का भी किया जिक्र। नॉर्थ कोरिया ने दोबारा शुरू की न्यूक्लियर सरगर्मियां, न्यूक्लियर हथियारों में इस्तेमाल होने वाले प्लूटोनियम की तैयारी के लिए शुरू किया रिएक्टर, अमेरिका व नॉर्थ कोरिया मुखालिफ कंट्रीज की बढ़ी बेचैनी। चाइना में 6 से 7 साल की उम्र के बच्चों से तहरीरी इम्तिहान यानी रिटर्न एग्जाम लेने पर लगा दी गई पाबंदी, बच्चों के जहन पर ज्यादा प्रेशर ना पड़े इसलिए लिया गया फैसला। चंद महीने आराम से बैठने के बाद WHO ने फिर जाहिर किए अंदेशे, अब कहा डेल्टा वेरिएंट की वजह से अमेरिका के बाद यूरोप में कोरोना मचाएगी बड़ी तबाही, UK, फ्रांस, जर्मनी, इटली होंगे मुतासर। तालिबान के कब्जे के बाद अफगानिस्तान में भारत के भारी इन्वेस्टमेंट को लेकर PM मोदी ने बनाया हाई लेवल ग्रुप, फंसे हुए भारतीय शहरियों को वापस लाना, अफगानिस्तान की सरजमीन का भारत के खिलाफ इस्तेमाल ना होने देना है अहम मकसद। सुप्रीम कोर्ट में रकम की गई तारीख, खातून जज BC नागरत्ना और तेलंगाना के जस्टिस हेमा कोहली समेत 9 जजों ने एक साथ लिया अपने ओहदे का हल। मुल्क की कई रियासतों में स्कूल खोले जाने के बाद बढ़े केसेस, कई तलबा पाए गए कोरोना पॉजिटिव, पंजाब इस लिस्ट में है सबसे ऊपर। तमिलनाडु हुकूमत ने कोरोना वायरस के पेश नज़र लगाए गए लॉकडाउन को 15 सितंबर तक बढ़ा दिया, बुध से स्कूलों और कॉलेजों को खोलने की दी इजाज़त। मुंबई और राजधानी दिल्ली समेत कई रियासतों में बारिश का कहर, मुंबई और दिल्ली के कई इलाकों में भरा पानी, तेलंगाना और आंध्रा समेत 10 रियासतों में शदीद बारिश का अलर्ट जारी। टोक्यो पैरालंपिक्स में भारत को मिला एक और मेडल, सिंहराज अधाना ने मर्दों की 10 मीटर एयर पिस्टल में जीता ब्रोंज, टोक्यो पैरालंपिक्स में भारत को आ गए 8 मेडल। जलियांवाला बाग के रिनोवेशन को लेकर मोदी हुकूमत के खिलाफ लोगों का बढ़ा गुस्सा, जलियांवाला बाग कत्लेआम के शहीदों की तौहीन का लग रहा है इल्जाम, राहुल गांधी ने कहा शहीदों की तौहीन किसी कीमत पर नहीं की जाएगी बर्दाश्त। बंगाल में BJP को लग रहे हैं बड़े झटके, अब BJP MLA बसवजीत दास ममता की तृणमूल कांग्रेस में हुए शामिल, ममता की पार्टी में शामिल होने वाले बने तीसरे BJP MLA। BJP के राज में अब मीट और शराब के कारोबारियों को करना पड़ सकता है दूसरा कारोबार, CM योगी ने दिया मथुरा में शराब और मीट का कारोबार करने वालों को किसी और काम की ट्रेनिंग देने का हुक्म। दिल्ली के जंतर मंतर पर मुस्लिम और इस्लाम मुखालिफ नारे लगाने वाला हिंदू रक्षा दल का लीडर पिंकी चौधरी ने किया सरेंडर, सैकड़ों हामियों के नरगे में पहुंचा पुलिस स्टेशन। भड़काऊ भाषण के लिए मशहूर एक और कट्टर हिंदू लीडर येती नरसिम्हानंद के खिलाफ नेशनल वुमेन्स कमीशन की शिकायत पर दर्ज हुआ केस, खवातीन के खिलाफ तौहीन आमेज रिमार्क पास करने और अमन को नुकसान पहुंचाने जैसी लगाई गई दफात। मध्य प्रदेश की BJP हुकूमत के राज में मजहब के नाम पर बरती जा रही है गुंडागर्दी, अब धार इलाके में इलियास नाम के पानीपुरी बेचने वाले को अपनी बंडी या ठेले से सांवरिया नाम हटाने को कहा गया, साथ ही किसी भी हिंदू नाम का इस्तेमाल ना करने की दी गई धमकी। तेलंगाना में 2 सितंबर को स्कूल खोलने के हुकूमत के फैसले पर एक हफ्ते तक लगा दी गई रोक, कहा फिजिकल क्लासेस अटेंड करना लाजमी नहीं, स्कूलों को दोबारा खोलने के लिए किए गए इकदाम के बारे में रिपोर्ट दर्ज करने की दी गई हुकूमत को हिदायत।
तेलंगाना के होम मिनिस्टर मोहम्मद महमूद अली ने आसिफ जाही हुक्मरानों को पेश किया खिराज। उनकी आवामी खिदमत और सेकुलर रोड को किया याद। आसिफ जाही हुक्मरानों के सेकुलर किरदार से नई जनरेशन को वाकिफ करवाने की जरूरत पर दिया जोर। तेलंगाना के आईटी मिनिस्टर केटीआर ने पार्टी कारकुनों और लीडरों से की अपील। 2 सितंबर मौके पर बड़े पैमाने पर मनाए झंडा लहराने का प्रोग्राम। तेलंगाना में शदीद बारिश के बाद वाटर लेवल में हुआ इजाफा। उस्मान सागर और हिमायत सागर में भी बढ़ गया पानी। कई वाटर प्रोजेक्ट से छोड़ा गया पानी। तेलंगाना के राजाना सिरसिला जिले में पानी के शदीद बहाव की वजह से फंसी बस आज बह गई। जिले के लिंगनपेट के मानेरू नदी में फंसी थी ये बस। नदी के वाटर लेवल में हुआ इजाफा। और साल 2022 के आईपीएल में होंगी 8 के बजाय 10 टीमें। खेले जाएंगे 74 मैचेस। 2 नई टीमों से ही बीसीसीआई कमाएगी 5,000 करोड़ रुपए। ये थी आज की 25 अहम खबरें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। देखते रहिए बीपीएन चैनल।